हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीरीज टी स्टडी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी मिनिस्ट्रियल का जो एग्जाम हुआ है 17 दिसंबर को, उसके जो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। तो फर्स्ट शिफ्ट मेरा क्वेश्चन था, पहला फॉरेनर कौन थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है पहला भारत रत्न दिया गया था। ओके, किस विटामिन की कमी से जो आंखों का बीमारी होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से जो होती है आंखों की बीमारी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विथ नेपाल। नेपाल के साथ जो है कौन सा देश है जो सीमा साझा नहीं करता है। तो यहाँ पे जो होगा फोर ऑप्शन मेंशन होगा वहाँ पे ऑप्शन में, तो यहाँ पे हो जाएगा असम हो जाएगा। ओके, राइट आंसर। खिलाफत कमेटी की स्थापना कब हुआ था। तो ये जो 1919 में हुआ था, खिलाफत कमेटी का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, रॉयल हिस्ट्री ऑफ इंडियन कवर्ड ऑपरेशन पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा यतीश यादव। यतीश यादव जो है रॉयल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कवर्ड ऑपरेशन पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट सी के नायडू लाइफ अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है। तो निरिमन जम सेठ जी को दिया गया है। मोहिनी नाट्यम जो है किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये जो है केरल राज्य का लोक नृत्य है मोहिनी नाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एजुकेशन इज मेंशन इन विच लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो होगा इसका राइट आंसर कॉन्करेंट लिस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की उष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है। तो विकिरण द्वारा जो होती है सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है। वायु में जो है ध्वनि का वेग लगभग होता है, तो ये 330 मीटर प्रति सेकेंड होता है। हेलोजनों में जो है सबसे अभिक्रियाशील क्या है। तो फ्लोरीन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर जेवेरेव जो है किस देश के टेनिस खिलाड़ी है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी देश के जो है अलेक्जेंडर जेवेरेव टेनिस खिलाड़ी है। हु फाउंडेड न्यूट्रॉन। तो जेम्स चैडविक यहाँ पे राइट आंसर होगा। जेम्स चैडविक जो थे न्यूट्रॉन की खोज किए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलुप्त जानवर के अध्ययन को जो है क्या कहा जाता है। तो पेंटोलॉजी जो है कहा जाता है विलुप्त जानवरों के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा सुनील अरोड़ा हो जाएगा। ब्लैक लंग्स रोग किस उद्योग में कार्य करने वाले लोगों में होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा कोयला खदान होता है। कोयला खदान में जो है कार्य करने वाले लोगों में होता है ब्लैक लंग्स रोग। ओके, हु हैज ओन द US ओपन वुमेन टेनिस टूर्नामेंट 2020। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा नोवोमी ओसाका हो जाएगा। ओके, फाउंडर ऑफ WWW। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा टीम वर्नर्सली हो जाएगा। बात करें यहाँ पे WWW की फुल फॉर्म की, तो वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। ओके, वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है हो जाएगा फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब WWW का फुल फॉर्म होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, इस क्वेश्चन ने महात्मा बुद्ध जो है अपना पहला प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे। तो ये जो है सारनाथ में जो दिए थे महात्मा बुद्ध अपना प्रथम उपदेश दिए हुए थे। सिद्धांत शिरोमणि जो है ग्रंथ की रचना कर कौन है। तो यहाँ पे जो होगा भास्कर टू हो जाएगा। शिक्षा भारतीय जो है संविधान की सूची किस सूची में सम्मिलित है। तो समवर्ती सूची में है। और समवर्ती सूची को जो है किस कहाँ के संविधान से लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है समवर्ती सूची को। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त किसी नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा गायत्री कुमार को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो मनाया जाता है 21 सितंबर को मनाया जाता है। टिहरी बांध जो है परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये जो है उत्तराखंड राज्य में है। और टिहरी बांध परियोजना जो है भागीरथी नदी पर स्थित है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नदी भी पूछ सकता है कि टिहरी बांध जो परियोजना है किस नदी पर स्थित है। तो भागीरथी नदी पर स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो कबड्डी है। और बात करें यहाँ पे बांग्लादेश की वर्तमान में प्रधानमंत्री की, तो शेख हसीना हो जाएंगे। इस क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में जो है विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे जो है सीटों की संख्या 81 है। बात करें यहाँ पे झारखंड की मुख्यमंत्री की, तो हेमंत सोरेन हो जाएंगे अभी वर्तमान में। भारत की जो है प्रथम महिला सुल्तान या सस्किया कौन थी। तो रजिया सुल्तान यहाँ पे राइट हो जाएगा। और ये जो थी इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का जो है गठन कब हुआ था। तो 1 जनवरी 2015 को हुआ था। बात करें यहाँ पे नीति की फुल फॉर्म की, तो नीति आयोग का जो है फुल फॉर्म मैंने इसके पहले भी बताए हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हो जाएगा। बात करें यहाँ पे नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019 का जो है साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा 24 सितंबर 2020 को जो है मलयालम साहित्य के मशहूर कवि कौन थे, अक्कीतम अच्युतम नंबूदिरी को। ओके, तो यहाँ पे जो है कि 2019 का करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और चांसेस है कि 2019 से ही करंट अफेयर्स आएंगे जो भी रेलवे का एग्जाम से, क्योंकि 2019 में ये फॉर्म भरा गया था। तो आपका अगर एग्जाम से तो 2019 के सारे करंट अफेयर्स को आपको देख लेना होगा। एंड जो मेन मेन पॉइंट है वो 2020 को आप देख के जाइएगा, क्योंकि 2020 से काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर्स के, बट 2019 के जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 7 से 8 क्वेश्चन जो आपको देखने को जरूर मिलेगा, इसमें जो है 6-7 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आए हुए हैं। ओके,
तो 2019 का जो है साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है, तो अक्कितम अच्युतन नंबूदरी को मिला हुआ है। ओके, ये जो थे मलयालम साहित्य के मशहूर कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो गोविंद राजुलू चिंतला। ओके, और इसकी स्थापना जो हुई थी 12 जुलाई 1982 को हुई थी। बात करें यहाँ पे मुख्यालय की, तो मुंबई महाराष्ट्र भारत में है। फुल फॉर्म ऑफ DGCA, तो DGCA का जो फुल फॉर्म होता है द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, तो ENIAC जो था पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। हड़प्पा किस नदी के किनारे पर बसा हुआ, तो काफी जी क्वेश्चन आया था रवि नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित कला केंद्र कब बना था, तो ये बना था 1954 में ललित कला केंद्र। ओके, रेलवे बोर्ड के पहले CEO कौन है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा विनोद कुमार यादव हो जाएगा। मोनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है, तो मोनिका जो बत्रा है वो टेबल टेनिस से संबंधित है, और इन्हें जो है 19 अगस्त को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला हुआ था। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो ये जो है अपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। ओके, तो फ्रेंड्स ये रहे कुछ क्वेश्चन दोनों शिफ्टों का। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।